चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय। नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्या। कृष्णाय कृष्ण चैतन्या। नामनि गौरात्वेशे नमः। नामनि गौरात्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा। श्री अद्वैत गदाधरा। शिवासादि गौर भक्तवृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। वाल्मीकि गिरी सम्भूता। वाल्मीकि गिरी सम्भूता। सागर गामिने। राम सागर गामिने। पुनाति भुवनम पुण्यम। पुनाति भुवनम पुण्यम। रामायण महानदी। रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य। चरित्र रघुनाथस्य। शतकोटि विस्तरम्। शतकोटि विस्तरम्। एकैकाक्षरम् पुंसाम्। एकैकाक्षरम् पुंसाम्। महापातक नाशनम्। महापातक नाशनम्। कूजन्ति राम रामेति। कूजन्ति राम रामेति। मधुरम् मधुराक्षरम्। मधुरम् मधुराक्षरम्। आरोह्य कविता शाखाम्। आरोह्य कविता शाखाम्। बाल वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। बाल वंदे वाल्मीकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। मनुज्यमार्तुल्यवेग्यं बुद्धिमतां वातात्मजं वानद्युत्तमोक्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामनोजं सीतां। रामं रामनोजं सीतां। भर्त भर्त अनुजं। भर्त भर्त अनुजं। सुग्रीवं वायुसोनं च। सुग्रीवं वायुसोनं च। नमामि पुनः पुनः। नमामि पुनः पुनः। श्रीमान राहुल जी और रसिक का आरआर के घर में रामायण के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद करते हैं प्रिय नंद कुमार जी का जिन्होंने आज हमको आपकी सेवा का ये शुभ अवसर दिया है। राम अयनम यस्य स रामायण। राम अयनम अयनम यस्य स रामायण, इसका मतलब है राम का जो घर है उसको कहते हैं रामायण। अयन का मतलब होता है घर, और जो रामायण में कांड है वो है कमरे, और हर कमरे में जाओगे तो राम जी के सारे परिकर मिलेंगे। तो रामायण का मतलब है राम का घर, और उसके अंदर सात कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड,
और फिर है अरण्य कांड, किष्कंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका या युद्ध कांड। कितने कांड है, कितने हो गए अभी? सिक्स और सातवां उत्तर कांड। अब कौन सा कांड कहां से कहां तक शुरू होता है, ये आप कभी पढ़ेंगे तो आपको इसका ठीक तरह से यू कैन अंडरस्टैंड इट थॉरली। तो ये सात कांड है, इनके कमरों, ये कमरे, कांड का मतलब कमरे, और उसके अंदर अब जाएंगे तो भगवान श्री रामचंद्र के सारे ही परिकर मिलेंगे और उनका आपको दर्शन करेंगे और उनसे बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने से पहले कहा कि मैंने सीता का चरित्र देखा है और करुणा रस है रामायण में, एक रस है उसका नाम है करुणा रस, जिसमें हृदय पिघल जाता है। तो सीता जी का चरित्र वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने देखा है और ये मैं रामायण लिख रहा हूं, विशेष रूप से मैं सीता जी की महिमा ही लिखना चाह रहा हूं कि सीता जी की जो महिमा है वो इतनी गंभीर और गहरी है और आत्मसमर्पण जो सीता जी का है राम के प्रति और जो सेवा का भाव है वो बहुत बड़ा उत्तम है जो मैंने अपने आंखों से देखा है। और भरत का चरित्र भी एक अनुपम चरित्र है, अनुपम का मतलब अनकंपेरेबल, जिसकी किसी और के साथ उपमा नहीं दी जा सकती, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग एल्स। और लक्ष्मण भी विलक्षण है, विलक्षण का मतलब है कि नोबडी एल्स कैन रियली स्टेप इन द शूज ऑफ लक्ष्मण, कोई उसके उस जैसा काम कर नहीं सकता। तो सभी चरित्र अपने आप में अद्भुत। एक चीज जो भगवत गीता में विशेष रूप से हम कृष्ण भावना में, हमारा जो फाउंडेशन है, जो कृष्ण भावना का फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है वो भगवत गीता। प्रभुपाद कहते हैं our movement is based on Bhagavad Gita as it is. So Bhagavad Gita का जो culmination है teaching का वो है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। श्री प्रभुपाद often times says the ultimate teaching of Bhagavad Gita is surrender. तो भगवान श्री रामचंद्र भी तो जैसे श्री कृष्ण भगवान है, ऐसे भगवान रामचंद्र भी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उनकी शिक्षा में भी विशेष रूप से जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है शरणागति। तो आज एक श्लोक जो रामायण का बहुत प्रसिद्ध है, और ये श्लोक है किष्कंधा कांड की पूर्ण आवृत्ति की ओर। सुंदर कांड अभी शुरू नहीं, सुंदर कांड हो चुका है, सुंदर कांड की पूर्ण आवृत्ति और अब लंका कांड शुरू नहीं हुआ है उस समय का ये श्लोक है। तो इस श्लोक से पहले की भूमिका ये है, हनुमान जी सीता का समाचार लेके आ गए कि अशोक वाटिका में है, लंका को जला के भी आ गए और राम जी को ये समाचार भी दिया और सीता जी की जो चूड़ामणि थी वो दिया, राम जी ने उसको देख के मान गए कि आप मिल के आए। और फिर अच्छा मुहूर्त देखकर, अच्छा मुहूर्त अभिजित नक्षत्र देखकर रामचंद्र जी ने सेना का वहां से किष्कंधा से रवाना हुए और समुद्र के तट पे पहुंचे। अब यहां सब बैठे हुए हैं, इस बीच में कुछ गुप्तचर आते हैं, रावण के कोई तोता है, कोई तोती के रूप में आता है, कोई बांदर के रूप में आता है, इसका वर्णन अलग है अपनी जगह पे। इस बीच में लंका में रावण और विभीषण के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, एक डिस्कशन भारी हो गया। विभीषण ने कहा कि
आपको सीता को वापस देना चाहिए और राम जी और आप ये संकट लंका से मिटा दो तो अच्छा है। और रावण ने कहा कि तुम मेरे भाई होते हुए मेरे विरुद्ध बोल रहे हो, इसलिए तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो और मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे भाई हो, लेकिन तुम जाओ यहां से। तो विभीषण ने यह निर्णय किया कि अब यहां मेरा रहना उचित नहीं। चार मंत्री थे विभीषण के, उनको विभीषण ने साथ लिया और आकाश मार्ग से वहां आए जहां श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पे बैठे। आकाश मार्ग में उतरे नहीं है, ऊपर ही है। ये आप कभी रामेश्वर जाएंगे तो रामेश्वर से थोड़ा ही दूर एक स्पेशल मंदिर है विशेष, उसमें कहते हैं यहां विभीषण राम जी से मिलेंगे और वहां अंदर वो सारे चित्र बने हुए हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना है सीढ़ियों से, वो मंदिर के अंदर राम विभीषण के मिलन की जगह है। तो जब विभीषण आकाश में ऊपर है तो सुग्रीव ने भी देखा, हनुमान जी ने देखा, अंगद ने भी देखा और ऊपर से कह रहा है मैं आपके शरण में आया हूं श्री रामचंद्र, मुझे आप शरण में लीजिए। तो रावण श्री रामचंद्र ने एक मीटिंग बुलाई सबकी, बोला मैं कैसे शरण में ले सकता हूं, देखो ये मेरे सब सुग्रीव मेरा सेनापति है, वो जो कहेगा, हनुमान जी ये सारा समाचार लाए हैं, इनकी राय लेनी पड़ेगी, अंगद युवराज है इनसे पूछना है। तो पहले सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव क्या करना चाहिए, बोला ये हमारे बड़े शत्रु का भाई है, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। अंगद से पूछा, अंगद ने कहा इसको बंदी बना लेना चाहिए। हनुमान से पूछा, हनुमान जी कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इसकी बेटी त्रिजटा ने मेरी बहुत बड़ी सहायता की थी सीता के जब मिलने गया था, और सीता का बड़ा ये इसकी जो बेटी है उसने बड़ी सहायता की थी, क्योंकि ये अच्छा आदमी है इसलिए इसको शरण में लिया जा सकता है। तो अब तीन चार ओपिनियन हो गए। तो राम जी ने वहां एक श्लोक बोला है और उस श्लोक का भाव उसको हम आज समझेंगे। और रामायण में राम जी का जो एक संदेश है सबके लिए वो हम इससे पहले ग्रहण करना चाहते हैं, तो नंद कुमार जी वो श्लोक का पाठ करेंगे। तवास्मी याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददान्येतत् व्रतं मम। ये राम जी के मुख से शब्द निकले हैं, सकृदेव परपना। सकृद का मतलब एक बार और परपना का मतलब है पांव पकड़ना। दो शब्द, एक शरणागति एक परपना, दोनों ही शरणागति के भाव में है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। परपना का मतलब पांव के पंजे पकड़ना, ये पांव कहिए डार्सम ऑफ फुट है ना, इसके ऊपर जो पंजा है जहां आप पायल पहनते हैं उसको पकड़ना, उसको कहते हैं परपना। और शरणागति का मतलब है कि पांव के तलवे के नीचे अपने आप को दे देना। और विशेष रूप से रामानुज संप्रदाय में परपना और शरणागति के को देखकर दो प्रकार की धारणा है। परपना का मतलब है हम भगवान के पांव पकड़ने जा रहे हैं, ये ऐसा है जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़े। बंदरिया का बच्चा बंदरिया को बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है, कूदती है, गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मन करे तो छोड़ के जा तो सकता है ना, इसको कहते हैं परपना। शरणागति का उदाहरण है बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में, उसमें तो बिल्ली जहां ले जाए वहां ले जाए, बच्चे के पास में कुछ नहीं। इसका मतलब एक शरणागति में भक्त अपने प्रयास से शरण लेना चाहता है,
भगवान को पकड़ना चाहता है, एक में सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है, भगवान जा ले जाए, जैसे उठाए जैसे बिठाए। लेकिन गौरिया वैष्णव कहते हैं कि ये दोनों ठीक है ना, हमको पूरा अपने बल से भगवान को पा सकते हैं और पकड़ सकते हैं, नहीं केवल कुछ भी नहीं कह रहे और भगवान सब करें, इस पे भी हम निर्धारित नहीं रह सकते। हमारा सिद्धांत क्या है कि कोई कुएं में गिर गया हो, वेल में गिर गया हो, तो चिल्लाना उसका काम है, तो ऊपर से कोई रस्सी भेजे तो उसको पकड़ के अपना प्रयास भी करना चाहिए, ऊपर वाला फिर खींचेगा। तो हमारे गौरिया वैष्णव में परपना शरणागति दोनों की आवश्यकता है, एक नहीं। इसलिए आपको आश्चर्य लगेगा कि जब देवता गर्भस्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो दोनों शब्द कहते हैं परपना शरणम, परपना भी कहते हैं शरणम भी कहते हैं, अब भगवान आपके परपन भी है शरण भी लेते हैं, उनका ये दो शब्द बहुत सुंदर हैं। तो यहां रामचंद्र कहता है पूरा शरण नहीं ले तो कोई बात नहीं, इतना कह दे एक बार कि मैं आप कहा हूं, याचे अहम त्वम, याचे याचना करने का मतलब क्या है, मांगना, याचना मांगने से थोड़ा सा, मांगना तो मांगना है फिर याचना क्यों कहा उसको, याचना का मतलब है कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूं, आप दोगे तो मैं जीऊंगा। याचना किसके लिए, जो भिखारी भूखा होता है ना, वो जब किसी से रोटी मांगता है उसको याचना कहते हैं, याचक कहते हैं भिखारी को, याचक, याचक जो संस्कृत वर्ड है, याचक मीन्स बेगर, और कहते हैं कि उत्तम साधु वो है वो अयाचक हो, कभी कुछ ना माने मांगे, अयाचक ब्राह्मण और साधु सर्व से महान होता है, और हमारे पास अयाचक साधु का उदाहरण है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी ऐसे अयाचक साधव है, साधु है, कहीं किसी के घर मांगने नहीं जाते थे, कोई बुलाने आता था, आपको साधु की वृत्ति दो प्रकार की होती है, साधु को कोई घर में भोजन के लिए बुलाए उसको कहते हैं भिक्षा करना, भिक्षा करना मतलब घर में जाके भक्षण करेंगे, और नहीं तो मधुकरी करना, पांच घरों से कुछ मांग लेना। तो माधवेंद्रपुरी अयाचक साधु था, किसी से मांगते नहीं थे, और आपको आश्चर्य लगेगा सुदामा भी श्री कृष्ण के घर में गया था तो कुछ मांगा ही नहीं अयाचक का, और भगवान को मांगना पड़ा कि मेरे लिए कुछ लाए, हो गया भगवान आया है, इसकी पत्नी ने भेजा है, इसको जरूरत है, फिर भी ये मांगेगा नहीं, और मांगता ना अगर सुदामा तो फिर भागवत में चरित्र होता नहीं उसका, अयाचक है, नहीं मांगा, और भगवान अधीर हो गए, अरे ये मांगेगा नहीं तो मैं कैसे दूंगा, अरे तू मेरा ये कुछ लाया है कि नहीं, मित्र है, कितना अच्छा मित्र है, कुछ नहीं लाया, अरे भाभी ने कुछ नहीं दिया, अरे कुछ होगा तुम्हारे पति, ये बेचारा कोठरी छुपा रहा है बगल के अंदर, उसके अंदर क्या है, चार घरों से लिया हुआ जो है चिप राइस है, एक एक पीले रंग का है, एक लाल का है, एक मोटा है, एक पतला है, उसकी गरीबी का सारा इतिहास उसमें लिखा है, क्योंकि एक घर का नहीं है, पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है, और भगवान ने जबरदस्ती उससे खींच के ले लिया, और लेने के बाद एकदम खा लिया, और कहने लगा मैंने तो 56 भोग खाए हैं, रुक्मणी के हाथ का भी भोजन खाया है, लेकिन ऐसा कभी स्वाद किसी में आया ही नहीं, क्योंकि भक्त का प्रेम था उसमें, वो मैया चार घरों से लेके आई थी मांग के। ये ही पूरा भाव चैतन्य महाप्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी के बाहर का वो चावल जो गाय भी नहीं खाती थी समुन्द्र में धो के खाते थे, तो एक दिन पूछा है कि कहाँ खा रहे हैं आजकल रघुनाथ जी, बोला वो चावल जो गाय भी नहीं खाती है सड़ जाते हैं, समुन्द्र में चार बार धोते हैं और फिर खाते, महाप्रभु समुद्र भागते हुए गए, बोले इतना बड़ा प्रसाद खाते हो मुझे कभी बुलाते नहीं हो, और उसके हाथ से छीन के खा लिया। तो ये दोनों की जो भावना है भक्त के प्रेम की, वो बात यहां से आई कि याचक याचते, इसका मतलब है शरणागति, याचक कौन है, शरणागत, जो कहे कि भगवान तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, आपको छोड़ के और कहां जा सकता हूं, एक ही आप मेरे रक्षक हैं और कोई नहीं, ऐसे एक बार कोई कह दे, राम जी कहते एक बार कोई कह दे कि मैं तुम्हारा हूं,
इसलिए महात्मा ये कहा था रोज प्रार्थना ये करना कहा कर, कर, कर किया कीजिए, हे श्री कृष्ण हे श्री राम मैं तुम्हारा हूं, जैसा हूं वैसा तुम्हारा हूं, भगवान मैं तुम्हारा हूं ये कहना। असल में गोपियों में दो पक्ष हैं, एक गोपियां हैं वो कहती है कृष्ण हम तुम्हारी हो, और दूसरी कहती है गोप कृष्ण हमारा है। तो ये शरणागति का पहला स्तर है, मैं तुम्हारा हूं ये पहला स्तर है, लेकिन भगवान मेरा है ये उससे और ऊपर है। तो कौन सा गोपियों का पक्ष कहते हैं कृष्ण हम तुम्हारी हैं, ये है चंद्रावली का पक्ष, इसको कहते हैं राइटिस्ट गोपी, और लेफ्टिस्ट गोपी है राधा रानी का पक्ष, अरे कृष्ण हमारा है कैसे जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता, जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे। ये जो अतिशय ममत्व है मेरा है जो ममत्व है, ये असल में शरणागति से बहुत ऊपर का स्तर है, जिसमें भगवान को अपना ही मान लेना, ये मेरा है। अभी तो भगवान कहते तुम कहो कि मैं मेरा हूं, और भक्त कहेगे भगवान आप मेरे हो, ये तो बहुत सीधी है ना, भक्त कहे कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, तो फिर इसका जवाब भगवान कहे भगवान मैं तेरा हूं, ये तो आदान प्रदान हो गया ना भैया, ये यथा माम प्रवचन देता भजामि मां, आप कहो कि मैं तुम्हारा हूं तो भगवान कहते तुम भी मेरे हो, ये तो भगवान का सिद्धांत है अपने आप में। तो एक बार कोई याचना करे, अरे भाई और कोई नहीं आप, और किसी का थोड़ा भी ध्यान किया ना भगवान नहीं सुनेगा। एक बुढ़िया थी बेचारी से कुछ नहीं होता था, भगवान श्री कृष्ण का गोपाल की इतनी पूजा करती थी लेकिन उठ ही नहीं जाए, उठा नहीं जाए, चला नहीं जाए, कहीं कोई 100 नौकर मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए तो भगवान की पूजा भी करे, भोग भी लगाए, मुझे भी सेवा करे। भगवान ने देखा बड़ा अच्छी बेचारी मेरी भक्त है, मैं ही जाता हूँ उसके घर में सेवक बन के। तो गोपाल जी घर में सेवक बन के आया, वो भोजन भी बनाए, सेवा भी करे मैया की। एक दिन मैया के दूर के रिश्तेदार को याद आए, मैया जी उनको देख के रोने लगी, आप लोग क्यों ही मेरे पूछते नहीं हो, मेरा कौन दुनिया में है, आप लोग आए नहीं है। उस दिन वो भगवान भाग के चले गए। बुढ़िया बोली कहाँ चलेगा काम वाला, भगवान दूर से कहता है अभी तक तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास था, आज तो उसको बोल रही थी वो भी मेरा मैं नहीं रहूंगा तेरे पास। अरे भाई एक की बात करो ना, 10 के पास नहीं जाने का, अब तुम नहीं मारे हमें तो तुम्हारे हैं, तो बोला उनको बुलाओ, मेरे को क्यों बुलाया। तो ये जो भाव है भगवान मैं आपका हूं, इसके बाद फुल स्टॉप है, किसी और का हूं ये तो सोचना ही नहीं, इसको कहते हैं अनन्य अंशित्व। एक तीन शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ है अकार त्रयी संपना, अकार त्रयी संपना महाभागवत उच्यते, उसको महाभागवत कहते हैं जिसमें तीन अकार हो, अकार मतलब एक, अनन्य अंशित्व, ये मान ले कि मैं सिर्फ कृष्ण का अंश हूं और किसी का नहीं, ना किसी देवता का अंश हूं, ना किसी दुनिया वाले का अंश हूं, सिर्फ कृष्ण का अंश। दूसरा है अनन्य भोक्तत्व, एक कृष्ण मेरा भोक्ता है और कोई मेरा भोक्ता नहीं, मैं उसका भोग्य हूं और किसी का नहीं। तीसरा है अनन्य अहरत्व, अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तत्व, अनन्य अहरत्व, जिसमें ये तीन आकार है वो महाभागवत है। अहरत्य का मतलब मैं भगवान के लायक हूं और दुनिया के लिए नालायक हूं, ये जब समझ में आए ये है अहम याचते का अर्थ, मैं किसी और के लायक नहीं हूं, भगवान आपके लायक हूं, आपका हूं, आप ही मुझे स्वीकार कीजिए, अब मैं और किसी दरवाजे पे जाने वाला नहीं, आप जैसे रखेंगे मैं रहूंगा लेकिन आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं। ये है पहली लाइन, ये भगवान कह रहे हैं। एक बार कोई कह दे मैं तुम्हारा हूं ना, उसको मैं सारे प्राणियों से रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है। और ये कह के रामचंद्र ने कहा सुग्रीव जी आप कहते हैं कि ये शत्रु का भाई है इसलिए चरण में मत लो, और अंगद आप कहते हैं इसको बंदी बना दो, और हनुमान जी आप कहते हैं ये अच्छा है, आधा तो सही है लेकिन अच्छा है इसलिए शरण में ले लो, ये नहीं, अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं,
फिर मेरी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाने का, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम अच्छे बनेंगे तब भगवान स्वीकार करेगा। ऐसे प्रभुपाद जी अगर अमेरिका में कहें तो सोचते कि ये सारे लोग साधु बन के वैष्णव तिलक लगाएं तब मैं इनको भक्त बनाऊंगा, तो इसका नहीं बनता। जैसे हिप्पी थे, जैसे आए उनको स्वीकार किया कि नहीं किया, जैसे थे ऐसे उनको स्वीकार किया। कैसे उनका, उनके कैसे लक्षण थे उनसे ही पूछ लीजिएगा कभी कि क्या वो करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने उसको जैसे आए ऐसे स्वीकार कर लिया, वो क्योंकि उनमें एक खूबी थी, वो हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए तैयार थे, सेवा करने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद ने उनको स्वीकार कर लिया। तो रामचंद्र ने कहा मैं विभीषण को शरण में लेता हूं क्योंकि ये मेरा वचन है। वो विभीषण नित्य उतर के आया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उसको आलिंगन किया और कहा हनुमान जी अंगद जी आप जरा समुद्र का जल ले आइए, इसका अभिषेक करते हैं लंकेश का, इसको लंका का राजा बना देते। अभी उसने शरण लिया, बताइए राम के शरण लेने में कोई फायदा है कि नुकसान है? हाँ, कभी कभी विभीषण लंका का राजा बन सकता था क्या? नहीं, रावण होता तो रावण के होते कभी नहीं बन सकता था। लेकिन यहां भगवान का शरण लेते ही कहा ले अभिषेक करो इसका लंकेश का। तो सुग्रीव ने कहा कि रामचंद्र अगर रावण आपके शरण में आ जाए तो लंका का राज तो आप इसको दे रहे हैं। राम ने कहा मुझे चिंता नहीं, रावण भी आ जाएगा तो मेरी अयोध्या का राज पड़ा है, भरत को कहूंगा रावण को भी देंगे। राम जी कहे शरण तो लेना राम, हनुमान रावण भी आएगा तो उसको भी राज दे देंगे, उसको भी निराश नहीं करेंगे, लेकिन आएगा नहीं। तो भगवान ने लंकेश का उनको राज तिलक कर दिया। अब राम ने राज तिलक किया तो मना कौन कर सकता है? कोई नहीं मना कर सकता। और फिर पहली बार राम जी ने एक सबसे फिर सलाह पूछी, वो भी है कि अब ये समंदर पार करना है, क्या योजना बनाई चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो विभीषण ही पहली बार बोल उठ के बोल उठे, हाथ ऊपर कर लिया। भगवान ने कहा मित्र अभी नया नया बनाए हैं, पहली बार सलाह दे रहा है, चलो इसकी बात मांग लेते हैं। और उन्होंने कहा समुद्र को प्रार्थना करो कि हमको रास्ता दे दे। तो विभीषण की बात को रामचंद्र ने मान ली कि ऐसे ना समझे मित्र कि मैंने शरण में लिया है और उसकी सलाह नहीं मान रहा हूं। भगवान ने मान ली। 3 दिन बैठ के पूजा की, समुद्र आया ही नहीं। तब रामचंद्र लक्ष्मण को ये मेरा धनुष बाण तो लाना, ये ऐसे समझने वाले नहीं है। और भगवान ने जैसे अपना है धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया, समुद्र थर थर कांपता, हाथ जोड़ के सामने खड़ा होगा समुद्र का जो अधिपति देवता था, बोला हमसे गलती हो गई भगवान, हम आपको समझने में हमने गलती कर दी, आप जैसे चाहें, अब चाहे तो एक बाण से सुखा सकते हैं, ये तो सूखा रास्ता बन जाएगा, चल के जा सकते हैं, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप मर्यादा रखें, इसके ऊपर सेतु बना लें। आपके ये सेना में जो नल नील है इनको ऋषियों ने श्राप दिया है, ये कोई चीज पानी में फेंकेंगे तैरती रहेगी, क्योंकि ये ऋषियों का सामान सार उठा के फेंक देते थे, ऋषि कहता कहां ढूंढेंगे जाके अंदर, बोला ये जो डाले पानी में वो तैरता है, इनको ये वरदान है और आप इनको कहिए और आप एक सेतु बनाइए और यहां से जाइए, मैं आपको रास्ता देता हूं। तो समुद्र ने भगवान रामचंद्र का शरण ले लिया और फिर सेतु बंधने का काम यहां से शुरू होता है। सो आज के सत्संग से संदेश ये है कि हमको एक बार सच्ची दिल से कहना चाहिए कि भगवान हम आपके हैं, फिर हम जैसे हैं भगवान उसको कबूल करने को, स्वीकार करने को तैयार। ये भगवान का वचन है। हम अच्छे होके भगवान के पास जाएंगे ये जरूरी नहीं है, हम जैसे हैं ऐसे चले जाएं, बस एक बात पक्की होनी चाहिए कि हम भगवान आपके हैं, अब और हमारा कोई सहारा नहीं, हम आपके शरण में आए हैं, आप शरणागत वत्सल हो, हम हमारे आपके बालक हैं, आप हमारे मालिक हो,
कुछ भगवान से ऐसी बात करना चाहिए, भगवान ये चाहते हैं तो हमको करनी चाहिए। तो रामायण का ये सबसे अच्छा और उत्तम संदेश है, शरणागति को भगवान सुनी, शरणागत भक्त को भगवान सब प्रकार की रक्षा देते हैं, इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। राम जी भी यही बात कहते हैं और श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही बात कहते हैं कि शरण में आना चाहिए। और शरणागति के जो 6 लक्षण है वो भक्त में होने चाहिए। भगवान का तो ये है कि जो आएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जो भक्त शरण लेना चाहता है उसमें 6 लक्षण कौन से होने चाहिए? अनुकूल संकल्प, विचार करना चाहिए कि भगवान के अनुकूल काम करेंगे, भगवान जो चाहेंगे वो करें, फेवरेबल फॉर प्लीजिंग सुप्रीम लॉ। ये शरणागत का पहला लक्षण है, अनुकूल अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। और जो चीज भगवान की सेवा में नहीं लगानी है उसको छोड़ दीजिए, अनफेवरेबल चीजों को दूर कर। ये 2 बातें तो पहले शरणागत भक्त के ये लक्षण है जो भगवान की, जैसे हम उदाहरण दें, आपके घर के अंदर भगवान को भोग लगाना है तो शुद्ध सात्विक आहार लगाना चाहिए, जो शुद्ध सात्विक भोग है बना के वो भगवान लगाना चाहिए। अनुकूल ये है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो फिर वो चीजें जो हमारे घर में है और चल रही है लेकिन भगवान के भोग में नहीं लग सकती है उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है, उनको त्याग देना चाहिए। क्या मुश्किल है, मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, क्या मुश्किल है लहसुन की टुकड़ी को छोड़ने में या प्याज के टुकड़े को छोड़ने में? उसके बदले भगवान मिलता है तो भगवान चाहिए कि लहसुन चाहिए या प्याज चाहिए? नहीं, मैं आपको सौदा बता रहा हूं कि आपके सामने 2 ऑप्शन पड़े हैं, एक तरफ भगवान मिल रहा है क्योंकि उसको जो पसंद है वो चीज आपको दे रहे हैं, और एक तरफ आपकी पसंद है। अब बताइए किसकी पसंद आपको पसंद? भगवान, भगवान। वो करना चाहिए इसको। ये अनुकूल का मतलब ये है, ये अनुकूल की डेफिनेशन है, साधारण आम डेफिनेशन आम आदमी के लिए ये कि जो भगवान को अर्पण किया जा सकता है उसी को स्वीकार करना चाहिए, जो चीज भगवान को पसंद है वो करनी चाहिए। प्रतिकूल वर्जनम, जो नहीं चाम काम का है उसको छोड़ दीजिए। विश्वास ये है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करें? भगवत गीता में भगवान ने सीना ठोक के कह दिया है, कौनते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, अरे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, डंडोरा पीट के संसार को तुम वचन दे दो अर्जुन, अरे तुम्हारे वचन को मैं सत्य करूंगा, मेरा वचन मैं तोड़ भी सकता हूं लेकिन तुम्हारा वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। भक्त ने वचन दिया। ये तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, सेवक कह दे कि ये होना है तो भगवान आप सत्य करते हैं, मैंने कह दिया खंभे में और आप खंभे से निकल गए, तो भगवान भक्त की बात को सच्चा करते हैं। तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और फिर चौथा है जो वो सबसे मुख्य है, वो है गोपतत्व। इसके बाद जो चौथा शरणागति का लक्षण है, श्लोक पूरा किसी को याद है? गोपतत्व वर्णन तथा, गोपतत्व वर्णन तथा, वर्णन गोपतत्व वर्णन तथा अनुकूल यस्य संकल्पः प्रतिकूल वर्जनम् रक्षस्ति इति विश्वासो गोपतत्व वर्णन तथा। ये जो है सबसे मुख्य जो सेंट्रल शरणागति का लक्षण है वो है गोपतृत्व वर्णम तथा, गोपतृत्व वर्णम तथा गोपतृत्व में से गोपतृत्व का एक अर्थ है रक्षक, गोपायता का मतलब रक्षा करना, और फिर वर्णम का अर्थ क्या है? ये जो वर्णम शब्द है ना, ये वही शब्द है जो वरेणियम शब्द है गायत्री मंत्र में,
और ये विवाह में जो लड़का है उसको कहते हैं वर, और लड़की को कहते हैं वधु, और उसके हाथ में होती है वरमाला। वो अपने पति का वर्ण करती है, क्या करती है, जो वधु है जो कन्या है वो वर का वर्ण करती है, और फिर वो पति उस पत्नी को पूर्ण रूप से रक्षा देने का वचन करता है। यहां ये शब्द का अर्थ ये है कि आप भगवान को वर्ण करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ये शरणागति में है पूर्ण वर्ण करना भगवान को, जैसे जैसे स्त्री अपने पति को शरणागत है पूरी, तो पति उसका रक्षण करता है, सीधी सी बात है। तो भाव असल में ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो छह गुणों में वो ये है, गोप्तत्वे वर्णम तथा, आप भगवान का वर्ण करो वो आपकी रक्षा करेंगे। भगवान को वर्ण करना, किससे वर्ण करेंगे भगवान को, वरेण्यम, किससे, धीमही बुद्धि से, बुद्धि कन्या है और भगवान वर है, बुद्धि के द्वारा भगवान का वर्ण करना है, बुद्धि में भगवान को बिठाना है। जैसे अर्जुन ने सारथी की जगह कृष्ण को बिठाया, ये है वर्ण्यम, ये है वरेण्यम, ये है गोपतत्व वरेण्यम का अर्थ। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी की जगह पे बिठाया, बताओ अर्जुन की कृष्ण ने रक्षा की कि नहीं की, सारे अस्त्र शस्त्रों से की, ब्रह्मास्त्र से की, वो सांप जो भेजा था कर्ण ने उससे कैसे की, घोड़ों को नीचे दबा दिया, किया कि नहीं किया। ये टिपिकल जो इसके लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो बुद्धि में सारथी के रूप में अर्जुन ने जैसे कृष्ण को बिठाया, ऐसे जो कृष्ण को बुद्धि में बिठाएगा कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। इसको टिपिकल ही उसका एग्जाम्पल है, गोपतत्व वर्ण, बुद्धि में भगवान को विराजमान करना। और भगवान कहता है मुझे बुद्धि में निवेश है, मुझे बुद्धि में निवास कराओ। तुम्हारी बुद्धि में कौन बैठा है इस वक्त, तुम्हारी बुद्धि में ढूंढो कौन बैठा है, उसको निकालो और भगवान को अच्छी सीधी बात यह है, बुद्धि कन्या है। और ये भीष्म पितामह प्रार्थना, एक ही ऐसा भक्त है, भगवान ने गीता में माना है, मांगा है, मैं ये मन आदर्श बुद्धि, मई बुद्धि में निवेश है, तेरी बुद्धि में मुझे निवास कराओ, मैं अर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि को अर्पण करने वाला उदाहरण श्री भीष्म पितामह है। वो भागवत में कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमिने, भगवान की ओर देख के कहते हैं एक मेरी कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्या है, आज उसका आप वर्ण कर लीजिए, आप इसको आज स्वीकार कर लीजिए। अरे भीष्म पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी कन्या कहां से आई, बोला मेरी बुद्धि मेरी कन्या है, और ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी कन्या है, और ये इतनी मति उपकिलता वितृष्णा, इसमें कोई दुनिया की तृष्णा नहीं है, इसने किसी को छुआ तक नहीं है, ये बहुत पवित्र कन्या है, इसको इति मति उपकल्पिता का मतलब विवाह, इससे आप विवाह कर लीजिए। फिर भीष्म पितामह और ज्यादा लोभ करके कहते हैं, जिसके अपने बेटे होते हैं वो तो अपने बेटे के घर में रहते हैं, मेरा तो बेटा बेटा है नहीं, मेरी तो एक ही ये कन्या है बुद्धि, अब इसको आपसे विवाह करना है, इसको आप ले मत जाइए, आप मेरा घर जमाई बन के मेरे अंदर बैठ जाए, आप मेरा घर जमाई बन जाइए, आप आके मेरे ही बुद्धि में बैठ जाइए। और दूसरे श्लोक में फिर जो जिसको विवाह कर रहे हैं अपनी बुद्धि को दिखा रहे हैं, उसका रूप का वर्णन कर रहे हैं, तमाल वर्णम, इसके बाद का दूसरा श्लोक है ना, बहुत सुंदर, रवि कर वरिकर अम्बरम तमाहा चतुर्भुजम तमाल वर्णम रवि, ओ भगवान, भगवान का रूप दिखा रहा है बुद्धि को, जिसके तुम्हारा शादी कर रहा हूं, देखो कितना सुंदर है। तो ये बुद्धि को अर्पण किसी ने किया है, उसका उदाहरण है भीष्म पितामह। मन जिसने भगवान को दिया है उसका उदाहरण है गोपियां, जिन्होंने मन भगवान को दे दिया। तो ये चौथा है सबसे मुख्य, गोपतत्व वर्णम, और फिर पांचवा आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप की माना लिखी है फुली ऑफरिंग वन सेल्फ टू कृष्ण, आत्म मैंने अपने आप को निक्षेप, मतलब अपने आप को अर्पण करना।
अर्पण करना का मतलब अब जैसे उठाएंगे वैसे बैठेंगे, जैसे दंडवत कहते हैं प्रणाम, इसका मतलब क्या है, डंडे की तरह आप उठाओगे तो उठूंगा, बिठाओगे तो बैठूंगा, खिलाओगे तो खाऊंगा, जैसे आप चाहोगे वैसे मैं करूंगा, मैं अपना विचार नहीं चलाऊंगा। और अंतिम जो है कार्पण्या शर्विद शरणागति, कार्पण्य का मतलब अपने आप को समझना कि मैं बिल्कुल, अब देखिए अर्जुन ने शरणागति ली है वहां कार्पण्य शब्द बोला है, पढ़िए सातवां श्लोक दूसरे अध्याय का, कार्पण्य दोष उपद, कार्पण्य है पहला शब्द, शरणागति का शब्द है कि नहीं, अर्जुन ने कहा मैं कार्पण हूं तो शरणागति का छठा लक्षण उसमें है, तो शरणागति के लक्षण में परपना है शरणागति और उसका कार्पण्य पहले पड़ा है, तो ये छह लक्षण हम में होने चाहिए और भगवान हमारा है ये कहना चाहिए तो शरणागति पूरी होती है। भगवान ने तो कह दिया एक बार कहो, आपने कह तो दिया लेकिन भगवान के शरण में जाने के लिए ये छह लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। हरे कृष्ण। और इनको अलग प्राप्त करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं। यस्यसी भगवती भक्ति अकिंचना सर्वै गुणै समासते सुरा, आप भगवान की भक्ति करो ये सब लक्षण अपने आप आ जाएंगे। हरे कृष्ण। सो आज रामायण का यही श्लोक आपके साथ शेयर किया, बहुत से रामायण तो बहुत मधुर है, करुणामय है, लेकिन आज ये यही बाहर निकला जो आपके भाग में आना था। अब आपके क्या प्रश्न है पूछिए। किसी का कुछ प्रश्न, मेरा पास लिस्ट है, उसके पहले आपको पहले मौका प्रदान करने की इच्छा, कुछ भक्तों ने भी भेजा है वो भी मेरे साथ है। किसी का एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, रामायण में अयोध्या कांड में हम देखते हैं कि भरत जब राम को मिलने के लिए जाता है, पूरा सेना सहित जब जा रहे हैं, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब आते हैं, भरद्वाज ऋषि उनके लिए पूरा प्रबंध करते हैं, पूरा पार्टी ही पार्टी है, दारू बह रहा है, देवकन्या इनके लिए अरेंज किया, और ये वो पूरा आर्मी के लिए पूरा भरद्वाज जी ने इतना बड़ा पार्टी बनाया, इससे हमें ये कैसे समझ सकते हैं? और उधर उसके बाद क्या लिखा है कि भरत के अतिरिक्त और सब वो समूर्छित हो गए, उसके बाद एक भरत ही सचेत रहा है, ये लिखा है कि नहीं? इसका मतलब भरद्वाज ने परीक्षा ली कि इसमें राम के पास योग्य वाला जाने वाला कौन सा है, जो इनसे बचेगा वो राम को प्रसन्न कर सकेगा, दूसरे नहीं कर सकेंगे, इसका तो सीधा यही अर्थ निकलता है। आप इसके बाद की लाइन पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जिन्होंने उस पार्टी में फंस गए वो नहीं, एक लक्ष्मण ने, एक भर जो है भरत नहीं, माताएं भरत ऋषि वशिष्ठ ऐसे कुछ नाम है जो उस पार्टी से प्रभावित नहीं हुए। इसको कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े ऋषि परीक्षा लेना चाहते हैं कि कौन सात्विक भाव वाला है, कौन राजसिक भाव वाला है, सबके लिए सब सामान रखते हैं, आपको क्या पसंद है देख लो। सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए ऋषि ऐसा प्रबंध करते हैं। और दूसरा, और क्षत्रिय मिर्गिया करते थे और उनको अधिकार था शिकार करना और पशु हत्या करने के बाद उसको बलि चढ़ा के खाना, ये क्षत्रियों में था और भागवत में भी ऐसा वर्णन है कई जगह पे। लेकिन उनकी उम्र उन जुगों में ये था जब उनकी उम्र हजारों साल थी और वो आधी उम्र के बाद सब पाप कर्म जो हो गए वो छोड़ के वन में जाके तपस्या करते थे। आप भी अगर 50 साल के बाद जाके वृंदावन में तपस्या करना चाहते हो तो जो चाहे वो कर लो, लेकिन आप आखिरी दम तक वही करते रहेंगे जो पहले से कर रहे हैं, इसलिए वो ठीक नहीं है। तो वो त्याग भी उनमें था, भोग था तो त्याग भी था, भोग और त्याग दोनों था। और ये परीक्षा एक प्रकार की ऋषियों की है और उसमें उत्तीर्ण हुआ भरत, और भरत पास हुआ उसमें, सब नहीं पास हुए, अयोध्या वासी थे बहुत सारे लोग थे उनके साथ, लेकिन उसके पीछे ये श्लोक में ऐसे भी लिखा है कि नहीं? पक्का लिखा है ऐसे। और फिर राजा के लिए राजा के राजमहल की सामग्री दी जाती है, तो ऋषियों के पास ऐसी व्यवस्था थी, उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर ली, वो
देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है, ठीक है, करना चाहिए। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न, हरे प्रभु, यह मन प्लीज। यस प्रभु, स्पिरिचुअल का मतलब रिलेटेड टू स्पिरिट। तो हमारा हम है, हमें दो की कॉम्बिनेशन, बॉडी एंड स्पिरिट। तो हम अभी जो सुबह से शाम तक नौकरी करें, धंधा करें, बिजनेस करें, ये है बॉडी का काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बनना का मतलब थोड़ा सोल के लिए भी काम करना। तो हम अपने टाइम को बांट लें कि शरीर का काम कर लें, 8 घंटे शरीर को आराम भी दे दें, 8 घंटे शरीर के लिए कमा भी लें, लेकिन कम से कम 2-4 घंटे अपनी आत्मा के जानकारी के लिए निकालें। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का संबंध किसके साथ है, भगवान और आत्मा का क्या संबंध है, हमारा असली घर कहाँ है, इसके लिए जान। जैसे हम आपसे एक अभी प्रश्न कोई पूछ ले कि अब टाइम हो रहा है 9 से 10 मिनट, घट 9:30 तक आपको प्रसाद वसाद मिल जाएगा, फिर आप अपने अपने घर चले जाएंगे, जाएंगे क्या, जाएंगे ना, आपको मालूम है आपका घर कहाँ है, सबको मालूम है ना। अब ये मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग आप कहेंगे ये तो पागल से लग रहा है, कोई प्रश्न है क्या, आपको पता नहीं आप बाहर से आए, हमें तो पता है हमारा घर कहाँ है। अगर मैं कहूं कि आज 2022 है, 2060 में हम में से कितने यहां होंगे, 40 साल के बाद कितने बचेंगे, तब कहां जाएंगे, कौन सा घर है, उस घर का किसी ने पता लगाया भाई, एक दिन विदा होना है कि नहीं होना इस दुनिया से, तो कहां जाना है। जिसने ये पता नहीं लगाया वो स्पिरिचुअल नहीं है। जो इस दुनिया में घर बदल रहा है वो भौतिक है, और जो अपना असली घर की खोज निकलता है वो स्पिरिचुअल। Before I go to the next, beautiful question. Yeah, fantastic answer. Hare Krishna. प्रभु हम देखते हैं कि एक हमारा ब्रजगुप्त ब्रजलीला प्रभु का प्रश्न है ये। प्रभु ने बोला राम के बारे में इतना, राम का जन्म के बारे में इतना विस्तार डिस्क्रिप्शन है, कृष्ण का भी विस्तार डिस्क्रिप्शन है, पर राधा के बारे में बहुत कम, सीता के बारे में बहुत कम। ये लेडीज का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्यों? जो चीज आपके घर में बहुत कीमती होती है वो उसको कहाँ रखते हो, बाजार में रखते हो कि लॉकर में रखते हो? तो ये सबसे गोपनीय चीज जो भगवान को प्यारी है वो स्काई के लिए दुनिया को देनी, वो तो छुपा के रखनी चाहिए ना। नहीं भाई, जो बहुत बहुमूल्य चीज है उसको छुपा के रखनी चाहिए ना। तो जो भगवान को प्रिय है उसको जानने वाले जो योग्य हैं उनको बताना चाहिए। हर एक को बताने से उसकी महत्व तो कम हो जाता है। अब हर रेडी के ऊपर हीरे मोती बिकते हैं तो कोई उसकी वैल्यू होगी नहीं होगी ना, वो तो गोल्ड सूप में उधर ही मिलना चाहिए ना, तो सब उधर थोड़ी जा सकते हैं। और वैसे क्योंकि ग्राहक ही सारे आलू बैंगन के हैं तो उनको क्या पता उनको क्या पता कि हीरा क्या होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राम का वर्णन इसलिए है कि उनकी शिक्षाएं वो है जिनकी हमें भक्ति करनी है। लेकिन राधा और सीता ये सेवा सिखाने वाली है। जैसे गुरु होता है तो गुरु माता होती है, तो गुरु का ही महत्व होता है। गुरु माता कोई ऐसे नहीं कहता है कि गुरु माता से सीख के आए, लेकिन बिना गुरु माता के तो गुरु कुछ कर नहीं सकता। तो आवश्यकता है उनकी, और उनका विस्तार से वर्णन, जैसे चेतना महाप्रभु जब तक नहीं आए तब तक राधा रानी का कुछ लोगों को पता ही नहीं था, कृष्ण के साथ राधा होती ही नहीं थी। गौरा ना होता तो क्या होता, राधा महिमा प्रेम सेमा कौन बताता हमारे को। तो असल में इनका परिचय देने के लिए ये स्वयं राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु आया, इसलिए ये परिचय दे सका, और कोई नहीं दे सकता। कृष्ण भी देने में असमर्थ, तो जो भगवान असमर्थ है उसका हम कहां से समर्थ हैं।
इसलिए उसको केवल प्रार्थना करते हैं कि भगवान की सेवा में लगाओ। ये गोपनीय चीजें बहुत रहस्यमय चीजें, इसलिए प्रैक्टिकली उनको गोपनीय रखा गया है, बहुत गोपनीय रखा गया है। हरे कृष्ण मंदिर जी, अगर जैसे आपने कहा इतने प्रेशियस हैं, बट एट द एंड राम जी सीता जी को वापस वनवास अकेले छोड़ दिया, ये इसका इनका प्रश्न आगे आएगा। ओके ये सब भक्तों के लिए बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट चीज है। इतना अन्योन्य प्रेम सीता बताती है, सुंदरकांड में बताती है कि रावण को बताती है कि कुछ भी होए हीनो वा राज्य हीनो, हीन हो राज्य हीन हो, वेरी डियर टू मी। और हनुमान जब देखते हैं राम कितना दुखी है सीता के बिना, पर इतना प्रिय होने के बाद भी सीता का परित्याग करना पड़ा राम को, तो उन्होंने जो प्रेग्नेंट सीता जो थी उसका परित्याग राम ने क्यों किया, उसका क्या एक्सेप्टेबल लॉजिक है? एक दिन सीता ने राम जी को वनवास में कहा था कि मेरा कभी बच्चा होगा तो मैं राजमहल में जन्म नहीं दूंगी, ऋषि के आश्रम में जन्म दूंगी, क्योंकि राजमहल में जन्म देने वाले बच्चों के लिए इतना षड्यंत्र होता है, वनवास जाना पड़ता है। ये सीता ने संकल्प राम जी को अपना बताया था कि राजमहल में जन्म हो लेने वाले बच्चों को बहुत बड़ी सियासत के राजनीति के कारण वनवास मिलता है, इसलिए मैंने कभी बच्चों को जन्म दिया तो ऋषि के आश्रम में दूं। तो राम जी ने कहा तेरी इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारे को ऋषि के आश्रम भेजते हैं, वहां जाके जन्म दे लो, इसमें क्या? ये सीता की इच्छा थी तो राम जी ने पूरी कर दिया। किसी ने पूछा कि राम ने सीता का त्याग किया क्या? महात्मा ने जवाब दिया कि कभी सीता ने इसको कभी ये प्रश्न पूछा था राम से? नहीं। बोला तुम्हारे बाप का क्या जाए? जब सीता को कोई एतराज नहीं तो तुम काहे के लिए परेशान हो रहे? भाई सीता ने कभी कहा हो कि राम ने मुझसे अन्याय किया? कभी कहा है? तो फिर आप क्यों कह रहे हो? दूसरा, महाराज दशरथ 1000 साल अपनी आयु से पहले राम के वृह में शरीर त्याग दिया। राम के वृह में महाराज दशरथ ने 1 साल कुछ 1000 साल पहले शरीर त्याग दिया। नंद बाबा कहते हैं, एक नंद बाबा को यशोदा कहती है कि आप कैसे वापस आए बिना कृष्ण बलराम को लेके मथुरा से? उस दिन नंद बाबा कहता है एक ही दुनिया में पिता हुआ है दशरथ, राम नहीं आया तो प्राण त्याग निकल गए, हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो दशरथ ऐसा एक पिता है, मदगत प्राणा, ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मदगत प्राणा का मतलब है अगर मैं उनके दिल से निकल जाऊं तो उनके प्राण निकल जाएंगे, उसका उदाहरण एक दशरथ महाराज। राम जी चले गए तो जिंदा नहीं रहे। कहते थे एक ब्राह्मण जगन्नाथपुर में ब्राह्मण था, वो भाव में जब उसको एक बार नरसिंह का पाठ दे दिया तो जिसको हिरण्यकश्यप था उसका पेट सचमुच पार दिया और उनको मार दिया, तो सबने कहा कि ये भाव में हो गया, और भाव में हो गया है तो फिर दशरथ बनाओ इसको। राम जी वनवास जाता है, देखे मरते हैं, और वाकई राम जी वनवास गए वो मर गए। ऐसे कभी कभी महात्मा ऐसे भाव में रहते हैं। तो बात में ये कहना जा रहा था, 1 साल जो 1000 साल जो दशरथ की जगह पे राम को राज करना था, तो वो पिता का राज था ना, तो उस वक्त में सीता को पत्नी के रूप में नहीं रख सकता था क्योंकि वो दशरथ की जगह पे बेटा, तो वो तो सुसर है, तो वो तो सीता उस वक्त पत्नी की जगह पे उसको नहीं रख सकता, एक ये रीजन दिया हुआ है। और फिर श्री प्रभुपाद ने जो 5वें स्कंद भागवत में लिखा है कि सीता को राम को अलग करना ये एक विपरनम्बा भाव जो है ये बहुत रसिकों को पसंद है। जो प्रेम विपरनम्बा भाव में बढ़ता है वो संभोग में नहीं बढ़ता है। तो ये जो क्लाइमेक्स है सीता राम की जुदाई, ये विपरनम्बा भाव का क्लाइमेक्स है। तो हम भी विपरनम्बा, राधा कृष्ण की जुदाई 100 साल होती है, ये विपरनम्बा भाव है।
तो विप्रलंब भाव जो है वो भक्ति में सबसे प्रबल है, और आउट जो जो एक्सटर्नल रीजन है, एक्सटर्नल जो रीजन है कि वो धोबी ने कह दिया कि मेरी पत्नी एक दिन बाहर रही और मैं राम थोड़ी हूं जो बाहर रही एक साल उसको रख दिया, ये एक एक मर्यादा सिखाने के लिए है कि राजा को डाउट से ऊपर होना चाहिए, शुड बी बियॉन्ड डाउट्स, उसका चरित्र जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसलिए रामचंद्र ने एक उदाहरण राजा के लिए, इवन इतने लो क्लास आदमी की बात के लिए भी अपने चरित्र को साफ रखने के लिए सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया गया। लेकिन कृष्ण के अवतार में कृष्ण बहुत सख्ती से वही धोबी था जो कंस के कपड़े ले जा रहा था, एक हाथ उल्टा मारा सर उड़ा दिया, बोला कृष्ण वो मैंने तब छोड़ दिया था मर्यादा का था, अब नहीं छोड़ने का, मारा वही धोबी उधर आया था उसको मार दिया, हिसाब उसका चुप हो गया। हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बेटा। स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट कैसे कनेक्ट करें, मतलब मन कैसे लगाएं, मन ऐसा है ना कभी थोड़े दिन लगता है फिर उसके बाद हट जाता है, कैसे? हम एक बात जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मन मेरी विभूति है, इंद्रिया नाम मनस चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो जो चीज जिसकी है उसको दोगे तभी सुखी रहोगे। आप किसी और को कहोगे मैं आपको मेरा मन दूंगा, कहेगा रख तेरा मन तेरे पास मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस मुसीबत को क्या करूं जिसमें सारी दुनिया की परेशानी भरी पड़ी भाई मन में। आप कभी घर वाले किसी को बोलो मेरा मन रखेगा, कोई नहीं रखेगा, अरे धन लाओ मन क्या करेगा। अरे एक ऐसा ही दिल वाला भगवान श्री कृष्ण है, वो कहता है तेरा मन मेरे को दे दो, मुसीबत नहीं पाली जाती है तो मैं संभालता हूँ, लाओ। वो कोई नहीं मांगता है, यही भगवान मांग रहा है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, कुछ बच्चे आपके 12 साल का बदमाश ज्यादा होता है तो आप क्या करते, हॉस्टल वाली स्कूल ढूंढते हैं कि हॉस्टल में इसको रख के आओ वहां डिसिप्लिन होगा। तो असल में मन हमारा बदमाश है, भगवान कहता है मेरी हॉस्टल में इसको रख के जाओ, इसको मैं सुधार के तुमको ठीक कर दूंगा, नहीं तो तेरा मन कभी इधर भटकेगा, हाँ दिल के टुकड़े हजार हुए कोई इधर गिरा कोई उधर, तो भगवान कहां से मिलेगा। तो मन को भगवान में लगाना है तो उसके लिए मंत्र जपना पड़ेगा, वो मंत्र जो मन में है, मंत्र में जो मन है ना पहला, उसको तर करने के लिए, तर का मतलब संसार की परेशानियों से तारने के लिए, मन को भगवान में लगाने के लिए, संसार से बचाने के लिए मंत्र जपना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद के माध्यम से दिया, और चेतन महाप्रभु ने सरेआम दोनों हाथ ऊपर करके कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब ये कृष्ण के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। आगे का प्रश्न, में हम रहते हैं, हमारा कर्म और हमारे कर्म के बीच में ऑलवेज मतभेद रहता है या कश्मकश होती है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ऑलवेज देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ वी इंश्योर दैट आवर कर्म डजंट गो अगेंस्ट आवर धर्म, लाइक इन सिंपल लैंग्वेज आई वुड से दैट जब अर्जुन को बोला गया था उसके बड़े भाई ने राजा ने तो मेरे लिए इधर खांडव प्रस्थ में एक बड़ा सा राजमहल तैयार कर दो, जब ये लोग गए तो पूरा जंगल से भरा हुआ था, उन्होंने एक बाण लगाया और पूरा जल गया, उसमें करोड़ों जीव थे जैसे जानवर थे कीड़े मकोड़े स्पीशीज जुटी थे, बट ही डिड इट बिकॉज हिज ब्रदर हैड गिवन हिम जो राजा थे कि मैं ये आपको करना है। मेरे ख्याल में आपने स्वयं ने इस उत्तर का जवाब दे दिया है,
वो ये है कि हम अथॉरिटी की आज्ञा से अगर काम करेंगे तो उसकी गलती की दायित्व हमारे ऊपर नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि अगर सेनापति कहता है कि गोली चलाओ तो आप दुश्मन के 1000 आदमी मारो तो आपको इनाम मिलेगा, वीर चक्र मिलेगा। काम क्या कर रहे हो? मारने का। लेकिन आप अपने घर में झगड़ा हो पड़ोसी से, उसको चाकू मारो तो भी जेल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब कर्म अगर अथॉरिटी के आदेश से किया जाए तो वो धर्म माना जाएगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी उसके ऊपर है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं तस्मात सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य, इसलिए सारे काम मेरे ऊपर छोड़ को, और तुम निर्ममो भूतवा, निराशी निर्ममो भूतवा, तुम ये आशा मत रखोगे इसका ये मुझे मिलेगा और ये मैं कर रहा हूं, तुम ये करो। ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, और भगवान ने कहा ये मेरा जो राय है ना, ये मानव मानव मात्र के लिए है, जो इसका पालन करेगा वो सब कुछ करते हुए भी मुक्त हो जाएगा। दूसरा श्लोक है इसके बाद वाला, श्लोक ऐसे पूरा ऐसे श्लोक होगा, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धयावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते सर्व कर्म भी, सारे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। तीन बातें करनी है, पहले तो मेरी इस राय को माने और श्रद्धा से माने और मुझसे ईर्ष्या न करे, अनुसूयन्तो श्रद्धयावन्तो, तो फिर सारा काम करते हुए भी मुक्त हो जाएगा। तो सीधी बात है कि गुरु के आदेश से काम करना चाहिए, हमारे लिए सुप्रीम जी बता दिए गुरु के आदेश से, फिर चाहे वो जैसा काम कहे वैसा करो, वो दुनिया में दिखे के गलत है फिर भी वो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको करना नहीं चाहिए, मैं आपको उदाहरण दूं, श्री रंगम का मंदिर जो सारा बना हुआ है ना, एक भक्त है जो पैसे लोग देते नहीं थे, डाका डाल के बनाया, लेकिन फिर भी उसकी वहां पूजा होती है, उसको अलावर करके रखा हुआ है, क्योंकि उसने डाका तो डाला लेकिन अपने लिए नहीं, मंदिर बना दी, और उसमें आज लाखों लोग जा रहे हैं। उधर है ना, वो क्या नाम है उसका, उसके हम तो उसके समाधि पे गए थे उधर, देखा है हमने, अलवारों में से एक अलवार है उसमें से। तो ये है कि नाम बड़ा नाम मानो ने एक है जो जो एक एक दीवार बनाई इतने दिन में, इतने लोगों को ठे करके इतना पैसा लूट के लाया, ऐसे लिखा है। ये तो कहने की बात है तो नहीं है, लेकिन ऐसे काम भी अच्छे नहीं होते हैं। एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, वो शिष्य बनने से पहले पिक पॉकेट करता था, जेब बकरा था। अब मंदिर में खाने के लिए भोग के लिए भी कुछ नहीं था और भक्तों के लिए भी कुछ नहीं, उसने बोला तुम भी जाओ कुछ काम करो, बोला काम मुझे कोई नहीं आता, एक ही आता है, क्या करूं जेब काटना, बोला कुछ भी करो कुछ तो लाओ भगवान को भोग लगे, वो लोकल ट्रेन में जाके 2 पॉकेट काट गए और कहता ये माल है। फिर भी वो आज अभी भी बैठा है जो में, वो उसको अभी भी सम्मान के साथ पूजा जाता है, काम ये किया उसने। प्रभुपाद जी ऊपर से देख रहे थे, प्रभुपाद आए हुए थे कहीं मतलब के वेस्ट में, भोग लगाना था भगवान को, उनको भी खिलाना था कुछ, और घर में घी बटर कुछ भी नहीं था, पहले भक्तों के पास पैसा बहुत कम था। तो मालती माता जी कहते मैं बाहर गई, एक ट्रक आई थी सप्लाई वाली बटर की, वो सप्लाई वाला दुकान में गया, मैंने वहां से 2 डब्बे बटर के उठाए। प्रभुपाद ने ऊपर से खिड़की से देखे ये उठा के आ रही, और उसने जाके भोग बनाया, तैयार किया, भोग लगाया, प्रभुपाद को दिया, वो बोला था बहुत अच्छा है, कहां से बना मक्खन लाई। अब उसको शर्म आने लगी, क्या करो झूठ क्या बोलो, बोले वो गाड़ी से लाई, चल बहुत एम्बरेस पदगा, हमारा कृष्ण भी माखन चोर था, कौन सी बड़ी बात है भाई, माखन चोर के लिए मक्खन चुराया तो तुम्हारे अपने लिए थोड़ी चुराया है। तो मेरा कहना है ये कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन भगवान के लिए करने से इनसे बच जाते हैं, क्योंकि बड़े की अथॉरिटीज के लिए कर रहे हैं तो फिर तो इसमें कोई गलत, लेकिन घर में मर्यादा में रहना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। Hare Krishna. Hey Krishna. Prabhu, one of the devotees online wants to know more about the brother of Mother Sita. Brother of Mother Sita. Brother of Mother Sita.
क्या करना है उसको वॉन्टेड टू नो प्रभु उनके बारे में जानना चाहती है एक बार किसी ने महात्मा से पूछा कि हाँ रावण के 10 सर थे वो बैलेंस कैसे करता भाई 10 है तो क्या किया एक बीच में 3 इधर 3 इधर 3 इधर या कैसे बैलेंस करता रावण की सास का नाम क्या था माँ का नाम क्या था रावण का भाई महाराज जनक का बेटा था असल में सीता ने अपनी ओर से एक घास के तिनके को रावण के बीच में रख के बात की वहां ये लिखा है कि बहन की मौजूदगी में लड़की किसी दूसरे से बात करती है तो घास को अपना भाई सीता ने माना और वैसे भी धरती से उत्पन्न हुई थी तो घास ही उसका भाई था जनक के तो मुझे जनक की पुत्री तो नाम की है पुत्री तो जन्म तो वहां से हुआ है तो घास का तिनका सीता का भाई था आपको क्या करना है उससे ये लिखा है कि घास के तिनके के बहुत से माना है उसमें एक माना ये है कि तृण को भाई मान के बीच में खड़ा कर दिया और एक और भी उसकी माना लिखी कि रामचंद्र ने एक तिनके से इंद्र के पुत्र जयंत को पीछे ब्रह्मास्त्र करके चलाया था तो तू रावण मेरे लिए तिनके के बराबर में नहीं है राम के लिए और तुम्हारा सत्यानाश कर देगा तिनके के और भी बहुत से अर्थ लिखे हुए तो सीता जी के भाई को नमस्कार है आगे हरे कृष्ण एनी अदर लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉरी कृष्ण भाई जी जैसे आपने माता जी को भी बताया तो सो लाइक नॉर्मली हम देखते हैं मंदिरों पे अटैक होता है लाइक सम पीपल दे एंटर दे मूर्तियां तोड़ देते हैं या डिवोटीज को मार देते हैं तो इफ कोई भी एक डिवोटी वहां पे है तो उनका क्या उस टाइम पे क्या करते हो अगर मैं वहां पर हूँ तो व्हाट एम आई सपोज टू डू आई डू जो मंदिर में राजा रास बिहारी के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी वाले गुंडों ने भेजा था और वो डीजी को वहां से उखाड़ना चाहते थे प्रभुपादी की एक शिष्य डीजी को आलिंगन करके खड़ी हो गई उनके बाल खींचे उसका कुछ दिया या उसने डीजी को हाथ नहीं लगाने दिया वहीं रही और वही मंदिर बना तो और एक बार मुझे याद है कि जब वो अर्थक्वेक हुई थी लातूर की तो चौपाटी मंदिर में ऊपर डीटी ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे तो अर्थक्वेक हुई सब नीचे भक्त भाग गए तो दूसरे दिन राजा महाराज ने कहा कि भगवान को छोड़ के क्यों भाग गए आप में से भगवान के पास किसी को रहना चाहिए था ना ऐसा नहीं कि भगवान अपनी बचा अपना रक्षा भगवान कर सकते हैं लेकिन भगवान अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ अवतार नहीं दिया है ये डीटी का अवतार भगवान ने अपनी रक्षा करने के लिए नहीं लाया कोई अपना वैभव दिखाने के लिए नहीं किया है अपना ताकत दिखाने के लिए नहीं किया है हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए दिया तो ये जो अवतार है ये कोई अपुलेंस के लिए नहीं है ये कोई अपना बल दिखाने के लिए नहीं है ये हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए तो हमारे को भगवान की रक्षा के लिए खड़ा करना होना चाहिए या भक्तों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए और प्रभुपाद जी ने लिखा था स्वरूप दामोदर महाराज को कि आप जो मणिपुरी हो इसमें क्षत्रिय स्पिरिट कृष्ण कॉन्शियस में लाना चाहिए एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे मंदिरों में हमारे अपने रक्षक होने चाहिए जो मंदिरों की रक्षा करें और गनमैन रखे थे मायापुर में एक समय में तो असल में ये नेचुरल है क्योंकि अटैक होते रहते अभी से नहीं मुगलों के जमाने से अटैक आ रहे हैं मंदिर टूटते आ रहे हैं बनते आ रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए भगवान करेंगे ये कह के जान नहीं छुड़ानी चाहिए हमारा दायित्व है कि उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त हम करें
ये जरूरी है, भगवान पे नहीं छोड़ा जा सकता, हाथ बैठ के भी नहीं, धर के भी बैठना नहीं चाहिए, हमें अपने प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करना चाहिए। और इसी प्रोटेक्शन की वजह से साधु समाज में ये नागा बाबा जो है ना, ये नागा बाबा हाथ में तलवार उठे, ये एक समय की जरूरत थी, हमने अपनी रक्षा के लिए साधुओं ने बनाए थे, इनका काम है साधुओं के मंदिर मठ की रक्षा करना, और स्नान करने जाते हैं उस नदी पे जाने वालों की रक्षा करना, तो ऐसे हमारे को भी अपने मंदिरों में कुछ ऐसी व्यवस्था आगे करनी चाहिए, समय बहुत मुश्किल आ सकता है। हरे कृष्ण।